प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि नींद अपनी पूरी हो चुकी है। और आपको जैसा पता है ना, कल मैंने अपना नया साइकिल लिया था तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो साइकिल अपना इधर पे खड़ा है यार, आप देख सकते हो ना, ये 7x3 है, पीछे 7 गियर है, आगे 3 गियर है इसके। और धीरे धीरे इसके ना गियर सीखने को भी बहुत सारा समय लग जाएगा। वैसे तो जहाँ से कल मैंने साइकिल लिया था ना, उन्होंने मेरे को सारा कुछ समझा दिया था एक एक चीज़, बट फिर भी जब हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखते जाएंगे। तो आज मैंने घूमना है सारा श्रीनगर, श्रीनगर के आसपास वाली चीज़ें घूमनी है। और आज से लॉन्ग जर्नी हमने करनी बंद कर देनी है क्योंकि हम आसपास में आ चुके हैं और ठंडा एरिया शुरू हो चुका है। और इधर में हम गांव-गांव घूमते जाएंगे, लोगों के कल्चर को जानते जाएंगे, लोगों से मिलते जाएंगे, मतलब ओल्ड स्कूल चीज़ें देखेंगे। तो कुछ इस तरह का माहौल है। अपने साइकिल पे हमारे सारे बैग रेडी हो चुके हैं। पहले स्लीपिंग बैग मैं आगे टांगता था, इस बार मैंने पीछे ही रख दिया। और अपनी प्लेट भी लगा ली है, नंबर प्लेट हमने लगा ली है, ये दूर से ही चमकने लगी है। और देखो यार कितना शानदार है, रेड कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। तो कलर भी अच्छा मिल गया हमको, ब्लैक और रेड का कॉम्बो मिल गया। तो ठीक है, अभी निकलते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय के साथ। बट चाय हम पियेंगे जाके डल लेक पे, डल लेक घूमते हैं 1-2 घंटा, और बाद में आसपास की चीज़ें हैं जो एब्जॉर्व करेंगे, आसपास की चीज़ें हैं जो देखेंगे। तो वैसे तो है ना, विनीमो वाली एप्लीकेशन, विंजो वाली होगी ना, जो जुए वाली होती है यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं खेलता और मेरे जो वीडियोस है ना सारे परिवार वाले देखते हैं, आप भी देखते हो तो आपको पता है यार, जुए वाली एप्लीकेशन अच्छी नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं प्रमोशन नहीं करता। मेरे पास है ना ज़्यादातर वीडियोस की प्रमोशन करने के लिए वही करते हैं, मतलब जुए वाली एप्लीकेशन ही खेलने वाली है ना, ऐसा कुछ ही होता है वनीमो वाला। तो आज है ना मेरे पास, कल फ़ोन आया था मेरे पास उनका, प्रमोशन वालों का, तो वो बोले हैं कि हम प्रमोशन करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ क्लैब करना चाहते हैं, तो आप क्या हमारी मतलब प्रमोशन कर दोगे? पहले तो ना मैंने मना कर दिया उनको, और फिर बाद में मैंने बोला कि मेरे को टाइम दो, मैं सोच के बता देता हूँ। सोच के ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यार जितने पैसे थे ना मैंने सारे अपने साइकिल पे लगा दिए, अभी मेरी पॉकेट में कुछ चंद चिल्लरी बचे हैं। तो इसी वजह से मैं कहा चलो मेरा 1-2 हफ्ते का रोटी का खर्चा भी निकल जाएगा, और अगर आप बोलोगे तो मैं प्रमोशन कर दूंगा विंजो की। तो आप, मैंने ना नीचे कमेंट पिन कर दूंगा, अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई कर दो तो मैं कर लूँगा, अगर आप नहीं बोलोगे ना तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता अगर आपकी परमिशन के हम बिना इस ऐसी एप्लीकेशन की प्रमोशन करते हैं। तो ठीक है, अभी दुकानें खुलने दो। और अपना भाई भी आ चुका है। इतनी लेट क्यों चलता है यार, मेरा साइकिल तेरे से ज़्यादा भागता है यार। तो बता कैसा है यार अपना साइकिल? हाँ अरे चला के देखो, बड़ा स्मूथ चलता है, भागता है यार, कसम। सामान कुछ नहीं है भाई, चला के देखो, अगर जोर लगेगा तो बोलना कि जोर लगता है। अरे यार सीट बड़ी हार्श है, मतलब घुसी जा रही है। नहीं नहीं वो तेरे को ऐसी लग रहा है, स्मूथ है ना चलने में? मैंने कभी गियर वाला चलाया नहीं है ना। अच्छा, गियर अभी डाले भी नहीं हमने, नॉर्मल में रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना, अभी दुकानें खोलने की वेट करते हैं, फिर थोड़ा सा आपको मार्केट घुमाते हैं, डन डल लेखी तो और चलते हैं। लो जी अपनी बढ़िया वाली है ना, इधर से शॉपिंग हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने एक टी शर्ट ही ली है, बढ़िया वाली तो क्या, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेरे पास टी शर्ट नहीं थी कोई, तो मैंने वाइट कलर की ले ली। और ये अपना साइकिल खड़ा है, मैंने थोड़ा सा ना सेटअप चेंज कर दिया, और अपनी है ना प्लेट भी टूट के पता नहीं कहाँ गिर गई थी, मैंने प्लेट भी चेंज की आज इसकी। नई प्लेट बता लो यार कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो सेटअप हमने चेंज कर दिया, तो अभी निकलते हैं डल लेक की तरफ। पहले मैं गया था फिर दोबारा वापस आ गया मैं इधर, मैं कहा थोड़ा सा सामान ले ले, अभी चलते हैं घूमते डल लेक। या मज़ा बड़ा आ रहा है यार, आज स्मूथ साइकिल चल रहा है ना, पूरा बेनिफिट उठा रहा हूँ मैं इसका। और सीट भी कंफर्टेबल है यार, ऐसा नहीं है कि सीट कंफर्टेबल नहीं है, पूरी कंफर्टेबल है, मज़ेदार सीट है पूरी। और कुछ इस तरह का नज़ारा है यार लाल बाजार का। कभी कभी तो ऐसा कहते हैं कि इधर पैर रखने की भी ना जगह नहीं होती, और देखो यार कितने पेड़ पौधे इधर में, ग्रीनरी ज़्यादा है ना, लोग पसंद करते हैं ग्रीनरी को, एज़ लाइक मी।
और इधर भी थोड़ा बहुत बाजार लगा हुआ है, दुकानें सेल कर रहे हैं, तो अपना सामान सेल कर रहे हैं। अभी ना एक कांड हो गया था, मैं प्लेट लगवाने गया ना जिससे, तो मैंने उसको बोला कि भाई इंडिया का झंडा लगा दे, कहता इंडिया इधर नहीं चलता, कहता इंडिया का झंडा इधर, तो हमारा अपना ही है। भाई क्या कर रहा है, मैं कहा ठीक है सॉरी। ऐसे भी कभी कभी है ना लोग मिल जाते हैं आपको। चलते हैं, निकलते हैं धीरे धीरे। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है श्रीनगर डल लेक के बीच, और ये है ना कम से कम 100 ईयर्स पुराना है, बट ये दोबारा रीबिल्ट किया गया था 2011 में। तो मेरे को नहीं पता था कि फ्लोटिंग मतलब पानी के अंदर भी पोस्ट ऑफिस होता है, तो बड़े लोग लोकल लोग बता रहे थे मेरे को कि इधर में पोस्ट ऑफिस है, ज़रूर आप देख कर जाना। एक इधर में फ्लोटिंग SBI का ATM भी है, वो भी हम देखने चलेंगे अगर प्राइस इसका रीजनेबल हुआ। और सामने है ना आप देख सकते हो सारे बोट हाउस हैं यार टोटली, और जिनका किराया 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 अप टू मतलब जितना आप दे सकते हो उतना पर नाइट का ओनली। और अगर आप शिप के अंदर राइड लेना चाहते हो ना, तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का पर घंटे का इधर का हिसाब किताब चलता है। तो कुछ इस तरह का माहौल है यार, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, हम देखते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ यार कि एक बार जूटा लेके देख लूँ, मैं भी इसके अंदर नाव के अंदर बैठ जाऊँ, बट ट्राई करते हैं पहले प्राइस का पता करते हैं। और भाई क्या हाल है, बढ़िया? तो भाई मेरे को कब का देख रहा था, कहाँ से है भाई तू? इधर से ही? क्या नाम है? अदीब। क्या बात है, सही है सही है। यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो कुछ इस तरह का माहौल है यार। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी आगे एक पार्क भी है जहाँ बहुत सारा रौनक मेला लगा होता है। मेरे चैनल का नाम है मनी बैकपैकर। जी जी जी। कितने बजे वीडियो अपलोड होगा? कल सुबह 7:30 बजे। तो चलते हैं यार आगे घूमते हैं। देख ली डल लेक, मजे कर लिए, एक दो फोटोज क्लिक कर ली, और आपको भी दिखा दी कुछ इस तरह का नज़ारा है। दोबारा फिर दिखा देता हूँ। चलते हैं अभी। तो शाम के बज चुके हैं 4:30, और अभी मैं है ना कश्मीर का डाउनटाउन एरिया एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। और कुछ इस तरह का माहौल है यार, गलियों में पुरानी पुरानी गलियाँ, पुराने पुराने स्ट्रक्चर, पुराने पुराने घर देखने को मिल रही हैं। तो अंकल जी अपने साथ, अंकल जी कैसे हो आप? बस शुक्र है। क्या नाम है आपका? आप मैं पंजाब से जी, पटियाला से। हमारा नाम है नियाज अहमद। ओके, और अंकल जी है ना मतलब जहाँ पर सबसे पहली मार्केट होती थी महाराजा रणजीत सिंह जी के समय की, तो उधर में अंकल जी काम करते हैं। SRगंज बोलते हैं। रणवीर सिंह। हाँ जी हाँ, ठीक है। SRगंज। तो देखो यार पुराने ओल्ड स्कूल में कैसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी गलियां हैं यार, बिल्कुल कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। मैं कहा टूरिस्ट प्लेस तो हर एक बंदा एक्सप्लोर करता है। आज हम ऑफ बीट जाके अच्छा मतलब इधर में हिंदू कम्युनिटी भी रहती है, बहुत रहती होगी ना। ओके सही है सही है। तो ये देखो यार बिल्कुल पुरानी पुरानी इधर मस्जिद भी है, पुराने बिल्डिंग्स भी हैं, और स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है यार। अच्छा ओके, अच्छा 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 ओके। ये तीरथगंज है, महाराजगंज। ठीक है ठीक है। तो इधर में मतलब सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं यार, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। ठीक है एक्सप्लोर करते हैं, कोई अच्छी सी चीज़ आती है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रूर। बादल भी है ना गरजने लग गए हैं, मौसम हो गया बारिश आने वाला, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है झेलम नदी, और आपको पता है जैसा कि श्रीनगर ऑलमोस्ट झेलम नदी के ऊपर ही बसा हुआ है, ज़्यादातर सिटी के बीच से झेलम नदी निकलती है। तो पीछे सारा ओल्ड स्कूल मतलब ओल्ड टाउन बोल लो इसको ना, जैसे पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी इमारतें, पुराने तरह के घरों में लोग रहते हैं, तो इस तरह का माहौल है कुछ। और सामने है ना मंदिर है, रामा कौल KAUL टेंपल। तो इस तरह का ये पुराना प्राचीन हिंदू टेंपल है इधर में हमें देखने के लिए मिला। तो हालत तो कुछ ज़्यादा सही नहीं है, बट पुराना पड़ा है, प्रिजर्व पड़ा है, वो
अच्छी बात है। तो हम अंदर चल के देखते हैं थोड़ा सा, मतलब मेन गेट बंद पड़ा है बट हम अंदर जाके बाहर से बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं यार। और कुछ इस तरह का गेट है शायद, इधर में अभी भी रहता है कोई ना कोई, बट मंदिर बंद है यार, मंदिर पूरा बंद रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं आपको दिखाने के लिए आ गया, बट प्राचीन मंदिर है ये अपना हिंदू धर्म का, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है, बट बिल्कुल बंद है इधर में, कोई नहीं रहता। रामा कॉल टेम्पल, ओल्ड टाउन बोलते हैं ना इसे, ओल्ड टाउन सिटी या ओल्ड टाउन। तो ये देख लिया, और थोड़े थोड़े हमने घर भी देख लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इधर में ना एक 100 ईयर पुरानी बेकरी है, तो बेकरी का पता करते हैं पहले कहाँ पर है। भैया जी एक मैंने सुना है कि इधर में 100 साल पुरानी बेकरी है कोई, मतलब वो कहाँ पर है कुछ पता है? क्या नाम है? नाम नहीं पता सर जी मेरे को, जनता बेकरी है वो, पता नहीं सर, मैंने सुना है कि 100 साल पुरानी है। कितनी दूर है सर? हम इधर से चले, ऊपर से चले जाएं या यही जाता है गली? ना ना ऊपर से चले, सीधा सीधा निकल जाएं। ओके सर थैंक यू। आज तो ना भगवान भी हमारे पे मेहरबान आ गए, इनको बच्चों को गर्मी ना लगे और हम एक्सप्लोर करते करते चले जाएं। इतने में ना हमें 100 ईयर पुरानी एक बेकरी की दुकान मिल गई है यार, देखो कितनी ज़्यादा पुरानी है ना, मतलब ऐसी पुरानी इमारतें रखी हुई हैं। तो हम भैया जी के पास चलते हैं। भैया हेलो, कैसे हो आप? अच्छे हो भैया? इसे क्या बोलते हो आप? रोटी, रोटी बोलते हैं नॉर्मल। अच्छा आपके पास कावा भी मिल जाता है? कावा, कावा जो कश्मीर का फेमस है। भैया 3 गिलास पिला दोगे? 3 गिलास पीने हैं हमने। हम बड़े टाइम से ढूंढ रहे हैं, किसी कहीं पर मिला ही नहीं। ये ना? हाँ जी। इनके पास मिलेगा? इनके पास, ये दुकान के पास। हाँ। भैया ये कितने कितने साल, 100 साल पुरानी है आपकी दुकान? ये पुरानी है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ? अच्छा पहले को आपकी फैमिली मेंबर्स थे या आपने बाई की है? अच्छा आपके पिताजी थे इधर। ओके ओके, तो आप क्या कुछ बनाते हो भैया बेकरी में इधर? बस रोटी बनाते, खाली रोटी है? अच्छा मॉर्निंग में और आफ्टर। अच्छा 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 ओके। तो आप देख सकते हो यार अंदर से इंटीरियर है ना, मतलब ये मिट्टी का बना हुआ है ना भैया अंदर, ज़्यादा मिट्टी का, मिट्टी और लकड़ी का दोनों का उपयोग किया गया है। अच्छा वाह यार, देखो कितने ओल्ड स्कूल ये इसके दरवाजे लगे हुए हैं, क्या बात है यार। मतलब अभी है ना, अभी हम ना पूरे ओल्ड टाउन में घूम रहे हैं यार, ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग्स है ना, देख सकते हो आप किस तरह का स्ट्रक्चर है, घरों का आज भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है सारा। और देखो यार क्या बात है, सुकून मिल रहा है यार। तो मैं आपको बोल रहा था ना यार कि कावा पीना है, कावा पीना है। तो हमने है ना ये भैया जी से रिक्वेस्ट की, भैया की दुकान है। हेलो भैया, क्या नाम है भैया आपका? बस उमर नाम है मेरा। ओके, और हम है ना मतलब ओल्ड टाउन बोलते हैं इसे, डाउनटाउन या डाउनटाउन। हाँ मतलब ये पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने घर इधर देखने को मिलते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं कावा ट्राई करना है हमें। हाँ घर वाला नहीं 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 घर वाला कावा नहीं है। नहीं मतलब घर वाला कावा ट्राई करना है हमें। तो हमने भाई से रिक्वेस्ट की यार कि हमने घर वाला कावा ट्राई करना है, क्योंकि है ना जो घरों में पीते हैं बड़ा अच्छा होता है यार। और मैंने पीछे ट्राई किया था, आपको पता ही होगा ना बड़ा टेस्टी था वो, मैंने सारी मार्केट घूम ली, इधर मिलता ही नहीं है, डल लेक के किनारे मिलता है खाली, बट जो घरों में बनता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो भैया ने बोला कि हमारे घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बैठ के पीते हैं। तो भैया का ये घर है इधर, तो ठीक है कावा ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कैसा होता है, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये तो बारिश में पीते हैं ज्यादा। अच्छा जब किसी की नाक, इसमें क्या, ये क्या बादाम है? बादाम भी है, इलायची भी है, दालचीनी भी है, अदरक भी होगा। ये कश्मीरी कावा है, ये तो कावा है। ये कौन से? ये तो बिस्किट नमकीन वाले, ये मैकविटीज है और मैरी गोल्ड भी है और अपना दाल है हल्दीराम का। ओके भैया आप नहीं लोगे? नहीं मैं ज्यादा नहीं पीता, मुझे
चाय पीने का मूड आ रहा था तो मैं अपनी चाय पी। ये कौन से तंग करते हो मैंने भाई, इसका तो कोई चक्कर नहीं होगा, ज्यादा पी लेते लो जी भाई लोगों के घर हमने चाय पी ली, कावा पी लिया यार, बड़ा मजा आया। तो भाई एक बार दोबारा थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी यार, बहुत ज़बरदस्त भाई लोगों की। और अपना साइकिल बच गया है बारिश की वजह से, और यार इसका ना स्टैंड छोटा है अभी, स्टैंड इसका ना थोड़ा सा सेट करवाना पड़ेगा, ये जल्दी गिर जाता है, पता नहीं इसका बार ज़्यादा है इसीलिए गिर जाता है, पर पता नहीं। चलो अभी चलते हैं डल लेक की तरफ, निकलते हैं, मौसम अच्छा हो गया यार बारिश की वजह से। तो दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वो कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद है, मतलब सबसे ओल्ड वन कह सकते हैं हम, सबसे ओल्डेस्ट है। और उधर में अपना हिंदू टेंपल है, और बीच में भी मस्जिद है, और उधर में हिंदू टेंपल है। वो सामने भाई के घर पे हम कावा पी कर आए थे, वो भाई खड़े हैं उधर। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, निकलते हैं यार, बारिश बहुत ज़्यादा भयंकर वाली होने लगी है यार, वो देख सकते हो कुछ इस तरह का माहौल है यार इधर का। अभी चलते हैं बाजार घूमते हैं, आपको जाकर नज़ारे दिखाते हैं, क्या नज़ारे हैं इस वक्त के, और देखते हैं कितनी की ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि आज तो चिल वाला डे गया यार, अपना रिलैक्स गया, कहीं ज़्यादा गए नहीं हम सिटी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है जनाब शाम को डल लेक का, बड़ा ही खूबसूरत लाइटिंग वाला नज़ारा है यार, क्या बात है। और रौनक मेला अभी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया है, देख रहे हो ना यार। ओ भाई इसमें मैंने ना कभी नहीं ट्रैवल किया, पर करूँगा कभी ना कभी ऊपर बैठ के, पर बाहर ना देश में करेंगे, इधर नहीं करेंगे यार, इंडिया से बाहर करेंगे कभी। वाह यार चक्कर लगाते हैं एक लेक का। अरे अंकल जी मरना है क्या, जब ना साइकिल नया ले लिया, अभी भागता जा रहा है हर जगह पे, अभी डर नहीं लगता बिल्कुल भी। गेट नंबर 4-5 ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है यार, क्या करेगा बंदा। बुट्टा बढ़िया से मुलायम है ना, बहुत नहीं है ना।